निम्न मांगलिक का विवाह उच्च मांगलिक के साथ संभव है क्या? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रोनलाइन के ऊपर। पिछले कई महीनों से मांगलिक दोष के ऊपर विस्तृत चर्चा हमारी हो रही है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण माहिती, निम्न मांगलिक का विवाह उच्च मांगलिक के साथ संभव है क्या, इस विषय पर चर्चा करने के लिए फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम निम्न मांगलिक कैसे होता है, उच्च मांगलिक कैसे होता है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन अथवा तो कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन अथवा सॉफ्टवेयर जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, उसमें आप अपनी और अपने जीवन साथी की बर्थ डिटेल डालेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी आकृति बन करके आ जाएगी। यहाँ पर D1 चार्ट लिखा हो सकता है, जन्म कुंडली लिखा हो सकता है, लग्न कुंडली लिखा हो सकता है, और इसके साथ साथ ही चंद्र कुंडली यानी कि मून चार्ट, दो कुंडली का हमें अध्ययन यहाँ पर करना होगा। अब आपके सामने कुछ 5 स्थान में मैंने टिक मार्क करा हुआ है, 12, 1, 4, 7, 8। इन स्थान में अगर मंगलदेव आपके बैठे हुए हैं किसी एक ही कुंडली में, D1 चार्ट अथवा तो मून चार्ट में, तो आप निम्न प्रकार के मांगलिक हुए। अगर दोनों ही कुंडली, मून चार्ट D1 चार्ट, दोनों ही कुंडली में इन्हीं 5 में से किसी एक स्थान में मंगलदेव बैठे हैं, तो आप उच्च प्रकार के मांगलिक कहे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता चल गया कि आप निम्न प्रकार के मांगलिक हैं या उच्च प्रकार के मांगलिक हैं। अब आप विवाह के लिए जब आगे बढ़ते हैं, विवाह कार्य करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो शादी कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं। अब कोई ज्योतिषी आपकी कुंडली का अध्ययन करता है, जब कुंडली का मैच मेकिंग होता है तब कुंडली मिलन, गुण मिलन होता है, इसके बाद मांगलिक दोष का विचार किया जाता है। जब कुंडली मिलन होता है तो कुंडली मिलन में भाग्य कितना सपोर्ट देगा, भाग्यवान रहेगा व्यक्ति अथवा तो भाग्यहीन रहेगा, कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, करियर अच्छा रहेगा या खराब होगा, लाभ और धन कैसा रहेगा यानी कि इनकम कैसी होती रहेगी, धनवान होगा या धनहीन होगा, इन सभी विषय पर चर्चा होती है। संतान प्राप्ति के लिए विचार किया जाता है, संतान सुख मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, प्रॉपर्टीज़ मिल पाएगी, खरीद पाएगा या फिर किराए के मकान में रहना पड़ेगा, रोग बीमारी शत्रु इन सभी पर विचार किया जाता है, आयु कितनी उम्र तक व्यक्ति जी पाएगा, छोटी उम्र में ही क्या अकस्मात में मृत्यु हो सकती है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, वैवाहिक सुख कैसा होगा, तलाक तो नहीं हो जाएगा, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, क्या बाहर जाकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करेगा, इसके अलावा महादशा अंतरदशा की क्या स्थिति बन रही है यह अध्ययन करना होता है, दो व्यक्ति के मध्य में अट्रैक्शन कैसा रहेगा, लव कैसा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे रहेगी, एक दूसरे का मान सम्मान रखेंगे या फिर झगड़े होते रहेंगे, इन सभी विषयों पर विचार किया जाता है। बाद में जाकर के गुण मिलन किया जाता है, गुण मिलन में भी 36 में से गुणांक देखने होते हैं, क्या 12 मिल रहे हैं, 18 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, 28 मिल रहे हैं, 33 मिल रहे हैं, 36 मिल रहे हैं, कितने गुणांक मिल रहे हैं, यह विचार करना होता है। कहाँ पर कट हो रहे हैं गुणांक, नाड़ी दोष है, भ्रकुट दोष है, गण दोष है, क्या ग्रह मैत्री नहीं है, इन सभी विषयों पर विचार किया जाता है। बाद में राजयोग दुर्योग जैसे पितृदोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा करनी होती है। मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ कैसे रहेगी, फिजिकल हेल्थ कैसे रहेगी, बीमारी शत्रु की क्या स्थिति रहेगी, कर्जा डेप्ट इसकी क्या स्थिति रहेगी, इन सभी विषय पर भी अध्ययन करना होता है। बाद में जाकर के मंगल दोष के ऊपर विचार किया जाता है। अब मंगल दोष के भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, सकारात्मक मंगल दोष भी हो सकता है, नकारात्मक मंगल दोष भी हो सकता है, घातक मंगल दोष भी हो सकता है, तो आपको यह भी अध्ययन करना होगा कि किस प्रकार का मंगल दोष बना हुआ है। अगर घातक बना हो तब विवाह के लिए मना किया जाता है, नकारात्मक हो तो उसे सकारात्मक करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, सकारात्मक है तब विवाह के लिए बिल्कुल से ही हाँ किया जा सकता है, लेकिन पहले कुंडली मिलन को रखना होगा, बाद में गुण मिलन को रखना होगा, बाद में ही मंगल दोष के ऊपर विचार करना होगा। अगर ये सारे ही पॉइंट अगर अच्छे से मिल रहे हैं, सारे बिंदु अच्छे से सेट हो रहे हैं, तब जाके ही निम्न मांगलिक उच्च मांगलिक के साथ विवाह कर सकता है। अब मंगल दोष का भंग भी हो सकता है, मंगल दोष का काट भी हो सकता है, मंगल दोष के निवारण उपाय भी हो सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर अगर आपको विस्तार से माहिती चाहिए तो हमारे इसी YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाइए, मांगलिक प्लेलिस्ट में
प्रत्येक वीडियोज़ आप देख करके संपूर्ण माहिती आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वजनों मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जीवन की किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, उपाय नहीं मिल रहा, समाधान नहीं मिल रहा, निश्चित तुरंत से हमसे जुड़ने की कोशिश करिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी परिस्थिति का, आपकी परेशानी का श्रेष्ठ समाधान आपको दिया जाए। संपर्क करने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप अथवा तो फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही और महत्वपूर्ण टॉपिक, सरकारी नौकरी, पितृदोष, कालसर्प दोष, ग्रहों को बलवान करने के उपाय, ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य जैसे विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमेशा हमारी चर्चा होती रहती है। इसी यूट्यूब चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में हर एक महत्वपूर्ण वीडियोस आप देख सकते हैं, अपने मित्रों स्वजन के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।